जय श्री कृष्ण, होप यू डूइंग वेरी वेल। आपको पता है जिस तरीके से आपकी एक सिट रिजर्व होती है, उसी तरीके से कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं। अब ये रिजर्व ड्रग्स क्या होते हैं, इसे समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड ड्रग्स समझना होगा। जब कोई पेशेंट दोज ड्रग्स विच आर द इनिशियली यूज इन अ पेशेंट एंड आफ्टर दैट we are applying some of the drugs to the patient and the patient has a resistance, उसके पास एक ऐसी ability होती है कि अब वो standard drugs को apply अपने अपने body में consume कर चुका है, अब वो तैयार है reserve drugs को लेने के लिए। तो ऐसे drugs को हम लोग reserve drug कहते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे example हैं, जो एक सबसे अच्छा example मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, वो होता है PHA। क्या होता है PHA? दैट इज़ नथिंग बट द, आपने सैलिसिलिक एसिड सुना होगा, बस उसी का डेरिवेटिव है ये। इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, जाकर के आप ज़रूर से देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ड्रग्स क्या होते हैं। अगर कहा जाए तो मैंने आपको बताया था, ड्रग्स आर नथिंग बट द सब्सटेंस विच आर अ ड्राई हर्ब्स। ड्रग एक फ्रेंच वर्ड है जिसे ड्रॉग कहा जाता था और उसे हम लोगों ने ड्रग कर दिया। अब ये ड्रग्स जो होते हैं, मेनली दे आर द यूज फॉर प्रिवेंशन, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट, क्योर, और एक और चीज़ होती है अगर मैं गलत नहीं हूँ, ट्रीटमेंट of the treatment to the disease on animals and the mans. Mans में भी use हो सकता है, animals में भी use हो सकता है। एक standard तरीके से आप बताना चाहें तो आप इस तरीके से बताइए, a substance which are used in prevention, treatment, diagnosis and cure the disease not only in a mans but also in a other animals, these are called as a drugs. अब drugs की formulation करने के 9 types होते हैं, उसी तरीके के drugs के doses जो होते हैं वो तकरीबन 14 होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप production के इस video में समझेंगे, ये पूरा का पूरा playlist आपको बहुत अच्छा लगेगा। So that's it, bye bye.